So basically, communication is what? Sharing information. अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेटा कम्युनिकेशन. क्या यूज करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? हम लोग आज ईमेल करते हैं, पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, ये सारा डेटा का पार्ट है. तो वही जो कम्युनिकेशन है आजकल क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन. पहले वो क्या था? टेली कम्युनिकेशन. अब क्या है वो? डेटा. कि हम लोग जो एक्चुअली अपने रिसोर्स को एज ए फॉर्म ऑफ डेटा है ना उसको भेजते हैं. तो बेसिकली देखो कम्युनिकेशन में सिंपली यू कैन से दैट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. क्लियर है? कोई दिक्कत? यू कैन नोट डाउन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. अब पूछोगे सर डेटा क्या? एक चीज मैं पहले समझा देता हूँ आपको. व्हाट इज डेटा? जानकारी. व्हाट इज डेटा? एक्चुअली तो किसी चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो फैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. जैसे मैं, आपका क्या नाम? अंकित. अंकित का मैं नाम पूछता हूँ, रोल नंबर पूछू, एड्रेस पूछू, ये क्या है? देखो वन बाय वन में इससे डेटा पूछ रहा हूँ, रिसोर्स ले रहा हूँ उससे. नाम एक क्या हो गया उसका? फैक्ट के बारे में हो गया. मैंने इसका एड्रेस पूछा, ये भी एक क्या है हमारा? इसके लिए फैक्ट हो गया. अब देखो उस सबको हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक इसके बारे में, ये जो क्या है अंकित के बारे में क्या हो जाएगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगा. या फिर ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन के टर्म में, डेटा को डिफाइन करते हैं कि वैसा रिसोर्स जिसपे सेंडर रिसीव सेंड करने वाला है तो जो रिसीवर है उसपे वो भी एग्रीड हो, उसे चाहिए तभी तो डेटा होगा ना. मान लो हमें चाहिए ही नहीं, आप कुछ मुझे भेज रहे हो, तो क्या वो हमारा डेटा होगा? नहीं होगा. तो बेसिकली वैसे चीजों को हम डेटा कहते हैं, रिसोर्स को डेटा कहते हैं जिसपे सेंडर भी एग्री हो और जिसको भेज रहे जिस पार्टी को वो भी क्या हो? एग्री हो, है ना. तो वो क्या कहलाता है? उसका मीनिंगफुल डेटा कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? मीनिंगफुल डेटा. क्लियर है सर? कोई डाउट? नो सर. चलिए नेक्स्ट. नीड से भी तो बोल सकते हैं. हाँ, यू कैन टाइप, नोट कर लीजिए डेटा के बारे में फर्स्ट. So, the word data refers to the information presented in whatever form. The word data refers to the information, to the information presented in whatever form, presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. मीन सिंपली डेटा क्या हो गया बच्चों? भी मैंने बताया कि वैसा रिसोर्स होता है, वैसा इंफॉर्मेशन होता है जो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो. लेकिन जो डेटा क्रिएट कर रहा है यानी सेंडर जो है और जो उसे रिसीव करने वाला है वो क्या है? आपका रिसीवर हो गया. तो दोनों उस पर एग्री हो. ऐसा नहीं कि मैं भेज दूं और आपको उसको चाहिए नहीं तो वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा क्या? नहीं. तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा क्या? नहीं. तो कम्युनिकेशन के टर्म में हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वैसे रिसोर्सेस को बोलेंगे जिसपे सेंडर भी एग्री हो और रिसीवर भी एग्री. क्लियर है बच्चों? सो दैट इज कॉल्ड डेटा. नाउ सी कम्युनिकेशन. मैंने बताया था अभी कम्युनिकेशन इज व्हाट? शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. सर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आजकल के जो टर्म में, यानी आजकल के जो पैरा में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, इस होता है एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन. क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन. सो राइट, डेटा कम्युनिकेशन. आप लोग ऑडिबल है बच्चों? लास्ट बेंच. कोई डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है. सो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन. ऑनलाइन स्टूडेंट यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है. यस, डेटा कम्युनिकेशन. राइट, डेटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा. डेटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस
बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ वाया सम फॉर्म ऑफ यस प्लीज टू डिवाइसेस वाया VIA है ना, मतलब थ्रू इसको कहते हैं वाया some form of transmission medium such as wire cable or wireless भी आप कर सकते हो, such as wire cable or wireless है ना। तो medium आजकल क्या है ना, जो medium होता है वो wireless भी होता है। अब जैसे telephone वो क्या था, वायर्ड था, लेकिन जो मोबाइल यूज करते हैं वो क्या है, उसमें जो डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन विदाउट एनी वायर, उसको हम कहते हैं वायरलेस फोन। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका, डेटा कम्युनिकेशन का। कोई दिक्कत बच्चों? बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन ऑल्सो राइट अर्लियर नोट में दे दो, नोट में मैं नोट ये नोट करके नीचे लिखना है, नोट करके अर्लियर कम्युनिकेशन मीन्स सिंपली द सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग द इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज टू द रिसीवर, सिंपली सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द सेंडर सॉरी रिसीवर, सिंपल था उसमें। सो दैट मे बी लोकल, दैट मे बी डेटा, अच्छा कम्युनिकेशन अर्लियर कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग, सिंपली सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस, सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस टू द रिसीवर, किसको भेजेंगे। सो दैट यूज्ड टू बी, दैट यूज्ड टू बी लोकल और रिमोट। वो क्या हुआ करता उसमें, लोकल कम्युनिकेशन या उसे बोल देते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, मीन्स यू आर सेंडिंग द डेटा, जैसे हम लोग यहाँ पे सेंडर भी है और रिसीवर भी है, अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, सो दैट वाज सिंपली अ कम्युनिकेशन, हम रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड मीन्स लोकल कम्युनिकेशन राइट, लोकल कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर, लोकल कम्युनिकेशन लिखोगे वेयर सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर एट द सेम प्लेस, दोनों क्या होते हैं सेम प्लेस पे होते हैं, क्लियर है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स आर एट द सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग, यदि कोई डाउट है तो, यदि कोई डाउट नहीं है तो बेसिकली लोकल समझ में आ गया कि सेंडर और रिसीवर दोनों क्या सेम प्लेस पे होते हैं। सेकेंड वन इज रिमोट, सेकेंड वन इज व्हाट, रिमोट कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे जो भेज के सर उसको क्या कहेंगे, वो मैं उसमें आता हूँ डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे, जस्ट वन मिनट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिमोट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिमोट कम्युनिकेशन। अब रिमोट मीन्स क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज टेली कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज टेली कम्युनिकेशन, टेली मीन्स क्या होता है फार, है ना, या जिसको कहते हैं डिस्टेंस पे होना, है ना, दूर होना, दैट इज कॉल्ड टेली, टेली तो उसी से आया है टेली कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज टेली कम्युनिकेशन, वेयर सेंडर एंड रिसीवर आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस
क्लियर। सो इफ यू हैव अ गैप ऑफ वन लाइन आफ्टर द लोकल लोकल कम्युनिकेशन यू कैन राइट इट इज सिंपली कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लोकल को हम लोग क्या कहते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नोट डाउन उसमें ब्रैकेट में लिख दोगे इट इज अ टाइप ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लोकल को हम लोग ये है। सिंपली ये प्रीवियसली की बात मैंने की, अभी जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन की बात। तो वहां पे अब जो कम्युनिकेशन सिंपली मैं बोलूंगा ना इट मींस दैट वो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। क्या ये डेटा कम्युनिकेशन है? क्या नहीं है ये डेटा कम्युनिकेशन नहीं है, सिंपल कम्युनिकेशन। हम लोग पहले भी टेलीफोन पे बात करते थे दैट वाज अ टाइप ऑफ व्हाट। इसमें कुछ एग्जांपल भी लिखोगे किसमें? टेली कम्युनिकेशन, रिमोट या टेली कम्युनिकेशन दोनों से है। इट रेफर्स टू द टेली कम्युनिकेशन में या रिमोट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं उसमें लिखोगे नेक्स्ट लाइन इट रेफर्स टू द बेसिकली टेलीग्राफ टेलीग्राफ टेलीफोन टेलीग्राफ टेलीविजन टेलीफोन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? रिमोट कम्युनिकेशन। क्लियर है? टेलीग्राफ कभी आपने देखा होगा, जैसे एक्चुअली फोन का ही टाइप होता है, है ना? फोन का ही टाइप होता है। टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ होता था। जैसे कभी इमेज भेजना, फैक्स की तरह देखे हो? फैक्स भी लिख सकते हो इसमें ब्रैकेट में। टेलीफोन, टेलीफोन फोन मतलब टेलीफोन की बात। मोबाइल मैं उस पर आता हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मोबाइल भी उसका टाइप है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन का, मैं जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ अर्लियर की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं फोन मोबाइल पॉसिबल था क्या? नहीं था। उस समय मोबाइल की मतलब बात ही नहीं कर सकते, तो उस समय हमारे पास फोन हुआ करते थे, जैसे फॉर टेलीफोन। ठीक है, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है। नाउ कम टू द डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन मैंने बता दिया क्या होता है। नाउ डेटा कम्युनिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज? क्या होते हैं वो देखिए, या लिखोगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन। ऑडिबल है ना? सो बेसिकली फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन। अब जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो क्या है? दैट टाइम दैट वाज अ टेली कम्युनिकेशन। बट डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है हर चीज। देखो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहला क्या होता है, हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप लोग डिलीवरी। डिलीवरी है ना, कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट डालोगे आप लोग दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? एक्यूरेसी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस लेस नहीं, टाइमलीनेस। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? टाइमलीनेस वहां पर मिस करता है। नेक्स्ट लिखोगे जिटर। जे आई जिटर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? जीटल। अब समझो इसका मतलब क्या होती है। ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चारों पॉइंट्स क्या है आपके? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको? डिलीवरी मिस क्या होता है? अभी देखो किसी बच्चे ने पूछा ना सर डिलीवरी और टाइमलेस तो एक ही हुआ ना, अभी आप ही ने बोला था। तो दोनों में डिफरेंस है।
एक होता है डेटा हमने सेंड किया, तो यदि रिसीवर के पास वो रिसीव हो जाता है दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है ना। डेटा हमने सेंड किया और वो रिसीवर तक पहुंच जाए देन हम कहते हैं उसको डिलीवरी बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि हम डेटा यदि सेंड करते हैं तो रिसीवर के पास पहुंच जाना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, दैट देन दिस इज द फर्स्ट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट वाज व्हाट? एक्यूरेसी। अब हमने सेंड जो किया डेटा जो हमने सेंड किया जैसे हमने सेंड किया वैसे एक्यूरेटली वहां पे पहुंच जाता, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मैंने सेंड किया, कभी कभी आप देखो करप्टेड डेटा मिलता है आपको, है ना, कभी कोई फाइल करप्ट हो जाता है, ऐसा होता है, तो क्या वो एक्यूरेसी हुआ क्या? डेटा तो डिलीवरी हुआ लेकिन वो एक्यूरेट डिलीवरी नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो फर्स्ट पार्ट डिलीवरी, मतलब पहले तो पहुंचना चाहिए, देन पहुंचे तो वो सही से पहुंचना चाहिए। थर्ड क्या है आपका? दैट इज कॉल्ड टाइमलीनेस। अब देखो, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि मान लो हमने डेटा सेंड किया लेकिन टाइम पे पहुंचे तभी तो हमारे लिए यूजफुल होगा ना। मान लो आप पूछोगे सर पीडीएफ भेज दीजिए और मैं आपको एग्जाम के बाद पीडीएफ भेजू, फिर किसी काम का होगा क्या? तो ये टाइमली लेस हुआ क्या? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं टाइमली लेस बोलेंगे। लेकिन टाइमली लेस का मतलब क्या होता है? तो डेटा जब हम सेंड करते हैं तो वो टाइम पे यूजर के रिक्वायरमेंट नीड से पहले वहां पे रिसीव हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम। कोई दिक्कत समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड टाइमली लेस। समझ में आया? अब जैसे देखो ना, आपको पता होगा जब पोस्ट ऑफिस समय की बात जब स्टार्ट हुआ हो या उससे भी पहले बात करते हैं, तो आपने सुना होगा पहले कबूतर से यूज करते थे, फिर मान लीजिए जाते पोस्ट, हर गांव में एक उधर मैसेंजर हुआ करता था, फिर पोस्टमैन का जमाना आया, फिर टेलीफोन आ गया। टेलीफोन को छोड़ दो, उससे पहले की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर, जो हुआ हर गांव में एक बंदा होता था जिसका काम होता था मैसेज सेंड करना। कभी कभी प्रॉब्लम आपने देख सुना होगा कि किसी के पापा का कुछ हो, तबियत खराब है या कुछ इस तरह का हुआ और मैसेज उसको बाद में मिला, ऐसा भी होता था महीनों के बाद। कभी कभी जॉब ही किसी का लगा, मान लो कॉल लेटर आया उसको मिल नहीं पाया, ऐसा भी होता था। उसके बाद ये पोस्टमैन में ऐसा होता कि मान लो ज्वाइनिंग लेटर है उसके बाद उसको लेटर मिला, ज्वाइनिंग डेट से के बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो क्या वो उस कम्युनिकेशन में कोई मतलब हुआ क्या? कोई मीनिंग हुआ? यूजफुल हुआ हमारे लिए? तो यूजफुल होने के लिए क्या है? टाइमलीनेस जरूरी है, समय पे। आजकल आप फोन कर दो, जैसे ही जरूरत पड़ता है तो कॉल कर देते हो, वीडियो कॉल कर देते हो, ईमेल कर देते हो, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, ये सारा डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन में आता है। तो ये जो पॉसिबल इंस्टेंट वाला केस में कैसे पॉसिबल? अब डिपेंड करता है। अब देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, उस समय इतने ऑप्शंस थे क्या? नहीं थे। लेकिन अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अब देखो आप कुछ सेंड करना होता है, आप सोचते हो किस पे सेंड करें, क्या बताओ यदि अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज करना होता है क्या ईमेल पे करते हो? क्योंकि अब लोग भी ईमेल बस दिन में एक दो बार चेक करते हैं, ऐसा भी होता है नहीं। नहीं। अब तुम लोग सोचो जो जॉब करते हैं या जो काम पे उनके लिखता जो जॉब करते हो तो हमेशा 5 मिनट में जिनका वही काम होता है वो फिर से चेक करते हो। लेकिन बेसिकली नॉर्मल जो जैसे हम लोग क्लास लेने के वक्त में चेक नहीं कर सकते, तो दिन में एक दो बार हम लोग चेक कर लेते। अब देखो आप लोग महीनों लगा देते हो चेक करने में, अब उसमें कोई आपको मेल करे तो फिर क्या होगा? उसके लिए बोलना पड़ता है कि देखो ईमेल मैंने किया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देते हो है ना, ये क्या है? ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। लेकिन सबसे इंस्टेंट क्या करते हो आप? कॉल करते हो। आजकल कॉल भी लोग करते हैं और हो सकता है वो बंदा किसी काम में बिजी हो, वो जो पर्सन है किसी अदर काम में बिजी हो, तो फिर वो क्या बताया है आपने, ठीक है कॉल करेंगे, कट कर दिया तो आप ये काम करें व्हाट्सएप कर दिया कर, मैं देख लूंगा। तो आजकल मैसेज व्हाट्सएप सब चेक करता है, हर मिनट पे सेव चेक करते हैं, जैसे काम से फ्री हुए व्हाट्सएप चेक करते हैं। क्योंकि एक व्हाट्सएप जो है इम्पोर्टेंट क्या है आजकल कम्युनिकेशन का, क्या है बच्चों? वीडियो है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, इंस्टेंट मतलब भेजो और वो पहुंच जाएगा, तो टाइमलीनेस हुआ। चलो ईमेल भी आपका टाइमलीनेस हुआ, फोन भी आपका टाइमलीनेस के अंदर आता है, ये सारे क्या है आपके डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। मतलब हमने भेजा, पहला पॉइंट याद रखोगे, फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, एक्यूरेसी, थर्ड क्या था, और जीटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, ये समझ में नहीं आएगा जल्दी आपको, लेकिन आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो
जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है ना वो पता है, मैंने बोला था एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, पता है, क्योंकि उसमें जो डेटा का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, तभी तो हम सुन पाते हैं ना। लेकिन हम जो मेल करते हैं किसी को, वो जो ही नहीं कि वो एक साथ वो डेटा है, वो ब्रेक हो जाता है पैकेट्स के फॉर्म में, केवल होता है क्या होता है पैकेट्स के फॉर्म में। एक होता है एनालॉग सिग्नल, मैंने बताया था आपको, डिजिटल सिग्नल बताया था मैंने। अब किसी को मेल करते हो, इमेज भेजते हो, इसमें पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करते हो। ये जब टेलीफोन करते हो तो वो कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है कंटिन्यूअस। आप देखो फोन पे, आपको ऐसा कभी देखे हो कि हेलो बोला तो 5 मिनट के बाद रिप्लाई आता है यस, हेलो बोल तो हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है, ठीक है बात नहीं करना तो क्या बोल कर, हाँ हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, कट कर देते। द पर्सन यू आर ट्राइंग इज कैटली बिजी, ऐसा भी बोल देता। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे डेटा जो है हम ट्रेवल का कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब देखो ठीक है, हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली मैं डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्या करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल मतलब जहाँ पे डिजिटल डेटा ट्रेवल करता है, तो डिजिटल डेटा ट्रेवल करता है इतने सेट कि डेटा जो है आपका क्या बल्की भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लार्ज अमाउंट में हो सकता है, तो क्या सारा पॉसिबल है एक साथ भेज पॉसिबल। तो वो डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्म में, उस बड़े डेटा को हम लोग क्या करते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, वो हम नहीं करते, वो सारा हमारा सिस्टम करता है, सारा सिस्टम नेटवर्किंग का सिस्टम है, वो आपको नहीं करता, सारा नेटवर्क जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं वो खुद ही कर लेता है। इसके लिए अलग अलग चीजें हैं, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट डेटा जो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, कौन सा डेटा डिजिटल डेटा। अब वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो मान लो हमने किसी को वीडियो ही भेजा, या हमने किसी को 10 या कोई लेटर ही भेजा सपोज, या पीडीएफ फाइल ही मेल के थ्रू भेजा। अब पीडीएफ फाइल कुछ तो साइज होगा, वो सारा डेटा एक साथ नहीं जाता, वो डेटा पहले ब्रेक होता है पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म है ना, और फिर वो सेंड होता है किसके पास। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आपके पास पूरा टोटल पैकेट नहीं आएगा तब तक वो आपको डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहाँ से भी एंड पे हमारे सिस्टम, यदि मैं मेल कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ वहां पर नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो पैकेटिंग करता है उसको, है ना, और उसके बाद पैकेटिंग मतलब पैकेट में कन्वर्ट करने के बाद वो भेज देता है, फिर आपके एंड पे जहाँ पे आप रिसीवर हो, तो आपके एंड पे उसको फिर कलेक्ट करते हैं, फिर आपके ईमेल में मैसेज पहुंचता है, ठीक। अब देखो हाँ बता रहा हूँ अभी, मैं जितने में समझाया भी नहीं, अभी स्टार्ट में नहीं किया। जिटर का मतलब होता है, देखिए जस्ट वन मिनट, मान लीजिए आपने किसी को डेटा भेजा, ठीक है, और हर डेटा का सिक्वेंस होता है, क्या होता है सिक्वेंस, कि जैसे डेटा हम भेजेंगे ना तो फिक्स होता है उसकी इतने इतने सेकंड बाद, उन दोनों के बीच में जैसे मैंने बोला लास्ट डेटा को हम पैकेट में डिवाइड करते हैं। अब हर एक पैकेट के बीच में एक डिले होता है, क्या होता है डिले। यदि वो डिले सेम है, मतलब फर्स्ट पैकेट सेकेंड पैकेट और थर्ड पैकेट के बीच में मान लो 30 नैनो सेकेंड का डिले है, मतलब वो सही है कि हर एक पैकेट को डिले सेम है, कि फर्स्ट डेटा रिसीव हुआ वो अपना जो है रिसीव करके वो स्टोर कर लिया, देन सेकंड पहुंचता है और वहां पर रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या इक्वल डिले, एक होता है इक्वल डिले, एक अनइक्वल डिले होता है, कि मान लो हमने डेटा भेजा, अगले डेटा के बीच में हम अपना 10 सेकंड का डिफरेंस है, मान लेते हैं 10 सेकंड का डिफरेंस, ये सही है, हर डेटा के लिए 10 सेकंड वो रेडी होता है सिस्टम कि इतने में वो क्या करता है उसको प्रोसेस करके रखा है। अब देखो यदि ऐसा हो कि डेटा का अनइक्वल डिले हो जाए तो क्या हो, अनइक्वल डिले हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कोई डेटा जो बाद में पहुंचता था वो पहले पहुंच गया और पहले वाला बाद में पहुंच गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी प्रॉब्लम से किसी भी रीजन से मान। और पता है आपको एक चीज और, जो डेटा जो पैकेट्स होते हैं ना वो अलग अलग पाथ से ट्रेवल होते हैं, ये भी बात है, जो नहीं जितने की जितने पैकेट्स सब एक ही पाथ से होंगे ऐसा जरूरी, जो पाथ जिसको फ्री मिलता है उससे वो ट्रेवल होता है। वहां पे कलेक्शन कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है, उसके लिए फिर पैकेट की नंबरिंग किया जाता है। लेकिन मान लो ऐसा भी होता है ना कि यदि डिले अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब कोई 10 सेकंड में कोई 30 सेकंड में कोई 50 सेकंड में पहुंच रहा है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, और इसी को हम क्या बोलते हैं जिटर बोलते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके डेटा कम्युनिकेशन के हैं, समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है बताइए एनीवन, यस प्लीज। जिटर में फिर से करते, जिटर का मतलब ये है ना कि
जब हम पैकेटिंग करके डेटा को भेजते हैं, लास्ट डेटा को भेजते हैं, तो वो पैकेट्स के फॉर्मेट ट्रेवल होता है। हर एक पैकेट के बीच में एक फिक्स डिले होना चाहिए, सो दैट कि फर्स्ट पैकेट आएगा रिसीवर के पास, वो उसको कहीं स्टोर कर लेगा, कुछ टाइम चाहिए ना। अब मान लो पैकेट अवेलेबल है, अब मान लो सिंपल सी बात कर भी देखो, आप ट्रक से जो कोई सामान, बहुत सारी बोरियां आती हैं, देखो कोई सामान मंडी में कभी देखो, बहुत सारा बोरा, सब्जी का बोरा, बहुत सारा ऐसा। अब मान लो एक बंदा है आने वाला और एक वहां पे अरेंज करने वाला, बोरा आया, रख दिया उसको प्लेस पे। अब मान लो बहुत स्पीड में आया तो वो फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम उसके लिए हो जाएगी। तो एक बोरा आया, इतना समय उसके पास होना चाहिए, उसको फिर से वो अरेंज कर, फिर दूसरा बोरा आया, अरेंज कर गया। सिक्वेंसिंग करने में भी टाइम लगता है ना, पैकेट फिर पहले आया फिर बाद में। अब मान लो ऐसा हो कि फर्स्ट बोरा जो है वो आ गया, अब फिर सेकेंड बोरा में जो है मान लो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, फिर थर्ड बहुत जल्दी आ गया, फिर डिले हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा बताओ। इसी प्रॉपर्टी को हम अनइक्वल जो डिले होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जिटर बोलते हैं। और जिटर हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ये नेगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें, मतलब ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये होता है क्योंकि हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ जो जो डेटा ट्रेवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और पैकेट ट्रेवल नहीं कि वो हमेशा एक ही पाथ से जाता है, वो अलग अलग पाथ से भी ट्रेवल करके हो सकता है, तो मे भी हो ऐसा। तो इसके लिए फिर हम लोग सिक्वेंसिंग यूज करते हैं, सिक्वेंसिंग का नंबर, चलो एक नंबर है, दो नंबर नहीं है, थर्ड नंबर पहुंच चुका है, तो वेट कर लेते हैं सेकंड नंबर के बाद उसको, फिर अरेंज करते हैं। फिर क्योंकि आपको फिर प्रोसेस करके जो अर्जल डेटा भी तो कन्वर्ट करना है ना, फिर उसको मिक्स करके, तो इसी को हम जिटर प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई डाउट है किसी को बताइए, एनीवन, कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। हाँ अंकित बताइए क्या डाउट है आपको, मैसेज कीजिए। कॉल नंबर 50 सर, रिपीट आपने बोला क्या, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है बताइए। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से जरूरी है। मान लो हमें कम्युनिकेशन करना है, क्या करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें तो होनी चाहिए ना। अच्छा ये बताओ कम्युनिकेशन क्यों करते हैं आप लोग, जो बात करते हो आपस में क्यों करते हो, कुछ मैटर होता है ना जो डिलीवर करना होता है, दैट इज कॉल्ड मैसेज। तो पहला, सेकंड पार्ट में क्या बात करेंगे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होगा बताओ, पहला क्या होना चाहिए हमारे पास। अच्छा बिना मतलब का बात करते हो क्या, कभी बिना मतलब का बात, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हेल्दी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले जब भी हमें कम्युनिकेशन इनिशिएट करना होता है उसके लिए कुछ रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है, मैसेज डिलीवरी, मैसेज हमें डिलीवर करना होता है। आप मैसेज पर टाइप करके बताइए। ओके मैं आपको अंकित अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए अपना प्रॉब्लम क्या, डाउट है, जस्ट वन मिनट। इनको डाउट है वो हैंड रेस करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को। यस संकेत, नाउ यू कैन अनम्यूट। सर टाइमलाइंस नहीं समझ पाए थे सर। यस संकेत बताइए। टाइमलाइन सर, आवाज आ रही है। टाइमलाइन, अच्छा ओके ओके ओके, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। देखो अभी इसने पूछा टाइमलाइन नहीं, क्योंकि टाइमलीनेस मैंने बोला था, है ना, टाइमलीनेस बोला था। मतलब क्या हुआ ना कि डेटा जो हम सेंड करते हैं वो आपके पास, यदि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही देना है तो वो समय पे पहुंच जाए जब आपकी रिक्वायरमेंट। मान लो हम डेटा हम क्यों भेजते हैं, क्योंकि सेंडर को रिक्वायर होता है, उसका रिक्वायरमेंट के कारण भेजते हैं ना उसको। तो हमने जो डेटा भेजा वो सेंडर के पास जब उसकी रिक्वायरमेंट हो उससे पहले वो पहुंच जाए वहां, तभी उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टाइमलीनेस प्रॉपर्टी। ऐसा ना कि हमें भेज दो और उसे मिले उसके काम के बाद। जैसे कभी कभी होता है ना, आप किसी फ्रेंड को कुछ मनी देते हो
है ना, और वो मांगते हो समय पर वो नहीं देता है आपको, इमरजेंसी है और नहीं देता है। तो आप रुपया भेज दो, वो भी कम्युनिकेशन ही हुआ ना, उसमें भी तो आप मनी, वो भी तो डेटा ही हुआ एक तरह, क्योंकि आप देखो ना 5000 ट्रांसफर करते हो अकाउंट से, तो वहां भी तो डेटा ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओके। सो नाउ सी कंपोनेंट्स, नाउ सी कंपोनेंट्स। ओके, सो नाउ सी कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला, फर्स्ट जब भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, एक मैसेज होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज सिंपली कॉल्ड मैसेज, दैट इज कॉल्ड मैसेज। क्लियर है? तो नाउ राइट कंपोनेंट्स, मैं पीडीएफ भेज दूंगा बट मैं कुछ पॉइंट बनवा देता हूँ आपको, ताकि पता रहे कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे पीडीएफ वाले चीजें पीडीएफ भेज, आप उसको फॉलो करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो हम तो नोट्स बनाए बेसिकली देखो, जैसे बुक की बात करता हूँ, क्या बुक्स में जो सारे कंपोनेंट सारी चीजें आप नोट डाउन करते हो, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है बेसिकली, मैं आपको वही इम्पोर्टेंट चीज देता हूँ, बट फिर भी आप खुद से एक बार उसको जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको लिखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया उसको आप टॉपिक पर, और मैं वही चीज आपको भेज रहा हूँ ना, ताकि एग्जाम के आप उसको प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते। और एक चीज और देखो, जब आप कुछ राइट कर लेते हो उससे, तो वो चीजें थोड़ा दिमाग में 40% वो आपके दिमाग में आ जाता है, बाकी जब रिवाइज करना है तो 60% आपको थोड़ा मेहनत करना। तो बेसिकली इसीलिए मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, और कोई रीजन नहीं। हाँ लिखना है आपको, सारा इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन अब जैसे कुछ डेफिनेशन मैंने बहुत बड़ा कुछ समझाने के लिए लिखा है, तो आप उसको छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली जितना टॉपिक में दिया उतना आपके नोटबुक में होना चाहिए, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कुछ अपना भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, है ना, कुछ खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए, तो मैं बात कर रहा था बच्चों कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स की, ठीक है ना। कंपोनेंट्स मैंने क्या बोला, फर्स्ट कंपोनेंट मैसेज, वी शुड हैव अ मैसेज फर्स्ट। तो पहला क्या होगा, मैसेज, पहला क्या होगा बच्चों, मैसेज। सेकंड क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, मैसेज, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक दे देना, एडी क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सो देयर आर फाइव कंपोनेंट्स, फर्स्ट यू कैन राइट, देयर आर फाइव कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैसेज, सेकंड वन मिनट, मैसेज के साथ मैसेज सेंड करने वाला भी तो होना चाहिए, सेंडर, तो मैसेज के बाद सेकंड क्या होगा, सेंडर, उसके बाद क्या होना चाहिए, वेरी गुड। तो फर्स्ट मैसेज, तभी तो मैसेज कुछ तो इंफॉर्मेशन इसको शेयर करना हो, तभी तो सेंडर सेंड करने वाला है ना, और रिसीवर सेंड करने वाला। तो बेसिकली फर्स्ट मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर, तीन हो गया। थर्ड मैंने क्या बोला, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ठीक है। फोर्थ है आपका, एक मीडियम भी तो होना चाहिए जिसके थ्रू आप भेजोगे, एक मीडियम भी तो, जैसे नेट बोलते हो आप, इंटरनेट बोलते हो, या फिर नेटवर्क बोलते हो, या वायर बोलते हो, एक मीडियम तो होना चाहिए आपके पास। यस, फर्स्ट मैसेज, सेकंड सेंडर, थर्ड रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको, ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है।
एंड द लास्ट वन इज प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्लियर है प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करूंगा इसको तो फर्स्ट इज मैसेज सेंडर रिसीवर ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल क्लियर है सो नाउ कम टू द मैसेज मैसेज में भी कोई भी डेटा हो सकता है वो पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है वो वीडियो हो ऑडियो हो रिकॉर्डिंग हो कुछ भी हो सकता है दैट इज कॉल्ड मैसेज है ना आजकल आप सब कुछ भेज सकते हो व्हाट्सएप पे वीडियो इमेज सब कुछ भेज सकते हो है ना तो आखिर ये सारा क्या आपका मैसेज ही करता है ना मैसेज मैसेंजर है ना मतलब मैसेज चलिए नेक्स्ट सेंडर यस देयर शुड बी अ सेंडर क्या होना चाहिए सेंडर होना चाहिए यस हो जाए क्या क्या कोई दिक्कत है आपको क्यों हंसी आ रही है उसको रीजन क्लासरूम में ऐसा तो नहीं कुछ मैं बताया हूँ जो कि हंसने वाली बात है सर्कस तो नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट वन बात दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेज लिख लिया आपने मैसेज मतलब कोई भी डेटा तो आप लिख भी सकते हो उसमें राइट मैसेज में आप पॉइंट वाइज लिखोगे मैसेज में फर्स्ट क्या होगा या मैं अगले क्लास में इसको नोट डाउन करवा दूंगा नेक्स्ट मैसेज मतलब एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी पीडीएफ टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एनीथिंग ठीक है नेक्स्ट क्या होगा बच्चों सेंडर जैसे मान लो हमें कुछ मैसेज आपको भेजना है तो मैं सेंडर ठीक है अब देखो रिसीवर क्या होगा रिसीवर क्या है जो रिसीव करने वाला है तो एक मैसेंजर में क्या है मैसेज में क्या मैसेज एक सेंडर होना चाहिए रिसीवर नेक्स्ट क्या ट्रांसमिशन मीडियम यस जैसे आप कैसे करते हो टेलीफोन पे बात करते वायर होता है वॉइस फोन से बात करो नेटवर्क होता है ना वैसे इंटरनेट से उसका भी कनेक्शन होता है आपके पास ये क्या हो गया ट्रांसमिशन मीडियम तो वो वायर्ड भी हो सकता है वो वायरलेस भी हो सकता है क्या हो सकता है वायर वायर्ड भी ठीक है ना कोई दिक्कत चलिए बेसिकली लास्ट वन इज प्रोटोकॉल क्या ये प्रोटोकॉल क्या है बच्चों देखो बेसिकली प्रोटोकॉल मीन्स फॉर जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वैसे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना उसका भी कुछ जैसे ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं लेफ्ट से चलना है ब्रेकर होते हैं लाइट ट्रैफिक लाइट्स होते हैं इसको देख के आपको कुछ समझ में आता है रुकना है या स्टार्ट करना है या स्लो चलना है ऐसा कुछ ये सारे क्या ट्रैफिक रूल्स हैं वैसे ही जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल क्लियर है ये कुछ चीजें मैंने बताया मैं अगले क्लास में इसको फिर से आपको राइट डाउन करवा देता हूं ठीक है कोई डाउट बच्चों इसमें डाउट नहीं है यस प्लीज प्रोटोकॉल को रूल्स एंड रेगुलेशंस जस्ट प्रोटोकॉल को प्रोसेस वर्ड्स से डिनोट नहीं प्रोटोकॉल मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या बोलेंगे यहां पे यस प्लीज एक सेट ऑफ रूल्स बोलो ना सिंपल है है ना स्टेट ऑफ रूल्स दैट रूल्स मतलब आपको फॉलो करना होगा गाइडलाइंस गाइडलाइंस ठीक है स्टेट ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू वांट टू परफॉर्म कम्युनिकेशन सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल क्लियर है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है हर एक ट्रैफिक रूल में भी रूल्स रेगुलेशन है नहीं कर रहे तो देखो क्या हो आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या है एक्सीडेंट हो सकता है वैसे ही जब आप कम्युनिकेशन करते हो और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपका डेटा ब्रीच हो जाए कोई आपका डेटा एक्सेस कर ले ये भी तो हो सकता है ना इसीलिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं चलिए नेक्स्ट सो कोई डाउट है बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे ओके पीडीएफ में भेज दूंगा अभी देखो मैं रोल नंबर बोलूंगा है ना और आप लोग आराम से बोलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का फालतू का नुकसान है ना इतना आपको टेंशन है उतना मुझे भी टेंशन है लेकिन ऐसा काम मत करो ठीक है ना चलिए तो इसलिए बच्चों